नमस्कार, मैं रुचि पांडे राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूं। कोरोना महामारी के बीच बिहार के बक्सर में गंगा नदी में कम से कम 30 से अधिक शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बिहार में दहशत का माहौल बन गया है। अचानक नदी में पाए गए शवों पर प्रशासन ने कहा है कि ये सभी शव बहकर आए हैं। सभी शव 3 से 4 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पाए गए शवों की हालत भी सही नहीं लग रही। गंगा नदी में पाए गए शव पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने इस मामले को लेकर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कोरोना के कहर के बीच बिहार के बक्सर में सोमवार को गंगा नदी में 30 से ज्यादा शव बरामद किए गए। अचानक नदी में शव मिलने पर प्रशासन ने दावा किया है कि ये सभी शव घायल अवस्था में है। आरजेडी विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस मामले में सोमवार को एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, हे गंगा पुत्र, तनिक अपनी 56 इंची छाती में थोड़ा ऑक्सीजन डालो, ताकि आंखें थोड़ी बड़ी करके बिहार में बह रही इस गंगा को ठीक से निहार सको। थके हुए चचा जी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बेशर्मी का लिमिट काहे क्रॉस कर रहे हैं? कुर्सी का मोह त्याग कर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आपको यहाँ बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें गंगा पुत्र कहकर तंज कसा है और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चचा कहा है। तेज प्रताप ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी बक्सर में गंगा नदी में मिले शवों को लेकर ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने भी बिहार की एनडीए की सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, बिहार के बक्सर में सैकड़ों लाशें गंगा में तैरती मिली। सरकार अब भी जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर रही है। डबल इंजन सरकार फेल है, इसलिए अब गाँव में भी संक्रमण फैल चुका है। अस्पताल के शमशानों में भी जगह नहीं है। लोग लाशों को फेंकने पर मजबूर हैं। बक्सर के चौसा प्रखंड में गंगा नदी में मिली लाशों को लेकर बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने भी प्रतिक्रिया दी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि जांच में ये बात सामने आई है कि ये सभी शव 3 से 4 दिन पुराने हैं। इसलिए एक बात तो यहाँ साफ है कि ये शव बक्सर जिले के नहीं है, ये यहाँ बिहार से सटे राज्यों से बहकर आए हैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा चौकसी भी तेज कर दी गई है।